छतरपुर में दिन दहाड़े गैंगवार के मंसूबे पाल रहे गुंडा गिरोह ने एक दूसरे को रास्ते से हटाने के लिए गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था। इसी वारदात के दौरान एक बेकसूर लड़का इसकी चपेट में आ गया। इस लड़की की शिकायत पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा अपराधियों के प्रति सख्त नजर आए। उन्होंने शाम 7 बजे से ही 10 थानों के पुलिस बल को छत्रसाल चौक पर एकत्रित किया और उसके बाद सभी गुंडों के घरों में दबिश दी गई। गैंगवार की घटना के बाद जफ्फू खान गिरोह और भैया कार्टर गिरोह के सभी सदस्यों की तलाश में पुलिस ने शाम 7 बजे से ही छापामार अभियान शुरू कर दिया था। हालांकि इन दिनों गिरोह के सभी सदस्य मोबाइल बंद कर फरार हो गए। महिला पुलिस सहित 50 पुलिसकर्मियों का दल एसपी सचिन शर्मा के नेतृत्व में सबसे पहले कुंज रेहटी में रहने वाले जफ्फू खान के घर पहुंचा, जहां एक एक कमरे की तलाशी ली गई। कुछ दरवाजे बंद मिले तो इन्हें तोड़ा गया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी जब्त किए गए। इसके बाद पुलिस भैया कार्टर के किशोर सागर स्थित घर पहुंचे, यहां भी तलाशी अभियान चलाया गया। इसके बाद पुलिस ने मोनू खान, सोनू स्टोव, परवेज खान, बॉबी महाजन, अंशुल साहू के घरों पर भी छापेमारी की, लेकिन फिलहाल कोई भी बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। वहीं सीएसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपियों की तलाश में सतत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। चार गाड़ी कैसे घबरा रहे थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत समर निजामी एक लड़का है जिसके ऊपर कल गोली चलाई गई है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। 6 आरोपी हैं इसमें, मोनू खान, भैया कार्टर, परवेज, सोनू स्टॉप, बॉबी महाजन और अंशुल साहू। इसमें इनके घर पर दबिश भी दी गई है और गिरफ्तारी करने के इनके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 307 के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ है और इसमें कल दबिश दी गई है और जल्द से इनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी के आधार पर इसकी जांच की जा रही है, आरोपियों को चेक किया जा रहा है और आगे विवेचना जारी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए छतरपुर से शिवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।